महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शहादत दिवस पर इंदिरा बाल विहार स्थित उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में महानगर कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने बताया कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी के शहादत दिवस पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी कांग्रेसियों ने सच्ची श्रद्धांजलि दी है और उनके बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया है। जिस तरह से उन्होंने देश का नेतृत्व करते हुए विश्व पटल पर नाम रोशन किया था और पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया था, ऐसी आयरन लेडी को हम लोग नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग भी उनके दिखाए मार्ग पर चलकर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेंगे। इस अवसर पर प्रणव उपाध्याय सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने कहा, आशुतोष तिवारी अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी गोरखपुर। आज हम लोग भारत देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शहादत दिवस पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करके हम सभी कांग्रेस जन उनको नमन किए हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और उनके बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प लिए हैं। जिस तरह से उन्होंने इस देश का नेतृत्व करते हुए इस देश को पूरे विश्व के पटल पर चमकाने का काम किया था, पाकिस्तान को जो है खंडित करके इस विश्व का भूगोल बदलने का काम किया था, आज ऐसी शक्तिमान महिला को हम लोग नमन करते हुए और उनके बताए रास्तों पर चलने का संकल्प लिए हैं। और इंदिरा जी ने जिस तरह से इस भारत देश को मजबूत करने का काम किया था, हम लोग उस लोक जिस तरह से लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया था, उस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ संकल्प लिए हैं और उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर के इस देश को उन्नति करने का जो है कार्य करने का मन बनाया है।